और जैसे ही पहला आपका या आपके जैसे में से 1.5 करोड़ के प्रहलाद जी ये शिवानंद जी के राइट हैंड है और आपके SMS से बार उससे 7 गांव के सिंचाई का काम लोग पसंद है खुश लेकिन एक और काम है आपसे उसी गांव एक बहुत बड़ा और अभी नहीं अच्छे लोग कुछ कठिनाई उस तरह का क्योंकि कोई हमको लगता है कि हम उस दिन कुर्ता पैजामा छोड़ दिए थे जिस दिन नीतीश कुमार को शपथ चीफ मिनिस्टर का शपथ उधर से आए हैं कुर्ता पैजामा थे और आज आपकी जो है उसके बाद कुछ लोग खबर नहीं है तो हमारा सपना तो यही है कि हम उसी तरह से करें उसके लिए
स्टेडियम को हम चाहते हैं कि धनुरा में अगर हम लोगों ने देखा है वहाँ पर चला जाए। तो हमने कहा था कि आप उसका योजना भेज दीजिए, वो उन्हें बात कर लिया है स्पोर्ट्स मंत्री से, और मेरा कोई योजना वहाँ पहुँचा नहीं वहाँ बढ़िया स्टेडियम बन जाएगा तभी ये स्टेडियम बना देंगे। लेकिन अभी तत्काल हम लोग इस मैदान का विकास, तो विकास का योजना ये हमारे एक बहुत बड़ा कंपनी है सरकार का एनटीपीसी, उसको हमने किया, उसका टर्नओवर 1,00,000 करोड़ के आसपास, उसका सीएसआर भी बहुत है। तो हमने कहा कि अपना मैदान का विकास करें, उसका ये काम शुरू किए हैं, लेकिन योजना एक बनाए कैसा लगेगा करना मिला, जबकि इस हिसाब से बन जाएगा तो कैसा लगेगा। तो चूंकि हम लोग का एक धरोहर पूरे शहर का धरोहर आगरा जिला, तो हम चाहते हैं कि आप लोग उसको ध्यान से दें और कोई सुझाव हो तो उसको दें, क्योंकि हम लोग इसको बढ़ा रहे हैं आने वाली पीढ़ियों के, इसको ध्यान रखें। इसी तरह से संसदीय भवन वो बड़ा है, अच्छी जगह उसकी आवश्यकता बहुत, संभावना की आवश्यकता बहुत, लेकिन देखो हालत अच्छी नहीं, तो उसको फिर हमने एक अपने दूसरे कंपनी वो पावर ग्रिड है, वो भी दुनिया के बड़े कंपनी में से जैसे उसका भी 1,00,000 करोड़ था, उसको हमने कहा कि इसका सौंदर्यीकरण, तो उसका सौंदर्यीकरण का हमने बनाया, तो ये प्रेजेंट करेंगे और जो भी सुझाव आप देंगे उसको हम लोग नोट कर लेंगे और जहाँ तक हो सकेगा उसको हम लोग आत्मसात करेंगे। ये हम लोग के शहर के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। एक और महत्वपूर्ण चीज़ है वो नहर, उसको आप देख रहे होंगे कि नहर पर काम चल, इसीलिए हमको धन्यवाद देना होगा यहाँ के सिंचाई मंत्री संजय, हमने एक बार कहा तो काम चल, उस पर भी हम लोग को नजर रखना है, क्योंकि जब ये आरा में इंटर करते हैं तो सबसे पहले वही नहर नजर आता था, लगता था कि हम लोग के नाक पर ही कचरा, तो अब ऐसा हम लोग बनाएंगे उसको कि ताकि उसका भी एक प्रेजेंटेशन कर दीजिएगा, ऐसा हम लोग बनाएंगे ये वो भी शहर का जो नाक है जो चेहरा है वैसे जैसे होना चाहिए वैसे। एक सड़क का तो चौड़ीकरण हम लोग करवाई है कायनगर से जीरो माइल तक, एक और हमने सोचा है कि नहर के उस पार भी सड़क बनाते हैं जो कि जो हम लोग बना रहे रिंग रोड उसमें जाके सीधे भी, ताकि उधर से भी लोग सीधे रिंग रोड पर चले, रिंग रोड में जमीन एक्विजिशन चल रहा है, एक चीज ध्यान रखें जमीन एक्विजिशन को, जैसे जमीन एक्विजिशन को, जमीन एक्विजिशन को जाए किसान जमीन पर जाए उपाव जो है वो जरूर दिलवाना, लेकिन विकास के लिए जरूरत है इसे तैयार करना, रिंग रोड इस शहर की आवश्यकता है, रिंग रोड के लिए ये विकास के लिए ये जरूरी गाय है, कोई सब होगा वो हो रहा है उसमें हम फंस चलते हैं। तो आप लोग देख लें आज दो योजना के प्रस्तुतिकरण है और उस पर फिर बारी बारी से जिनको भी सुनवाओ वो बता दे सकते हैं, तो इम्प्रोवमेंट को हम लोग को हटाना, अच्छा रोड भी चौड़ीकरण हो रहा है उससे भी इम्प्रोवमेंट हटेगा, तो इम्प्रोवमेंट हटेगा इम्प्रोवमेंट हटेगा ये सार्वजनिक वित्त में इम्प्रोवमेंट, आप उस पार रोड बनाएंगे तो वहां भी इम्प्रोवमेंट फटेगा, इसलिए तैयार रखें क्योंकि वो भी सार्वजनिक है। तो प्रस्तुति कर चाहिए चार जुलूस पे माता है सर, जोनवन ये वाला एरिया से जी सर, लाइट्स रहेगा सर, हमारा जो मुंडन ट्रैक रहेगा वो ऑल इन ऑल रहेगा 400
साथ साथ जो वॉकिंग ट्रैक रहेगा वो भी जी सर।
लेकिन वो बीच का पथवे हो रहा है, इसके चलते सब आप बहुत बड़ा है सर, वहाँ साइड पर जाएंगे तो आपको समझ में आएगी बड़ा जगह हम लोग का डिस्टर्ब हो रहा है। कृपया आपसे आग्रह है सर, इस जगह को यूज किया जाए, उसको केवल बाकी सब कुछ अच्छा है सर, सब सोचा भी नहीं था कि मतलब सब तमाम यहाँ के जितने भी लोग चूंकि तो बहुत सारा जमीन बर्बाद हो रहा है, तो जितने भी चेयर हमें किनारे लगे बीच में बहुत बहुत धन्यवाद। उसी समय बोला कि रमना मैदान को आप कायक हम लोग कर देंगे देखेंगे, तो ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे शहर के लिए ऐसा। हम उसमें दो चीज खाली बताना चाह रहे हैं, बच्चा वहीं से क्रॉस करना चाहता था, उस वक्त उसमें भाला लगा हुआ था, सर को बोले कि भाला वहां से हट जाना चाहिए क्योंकि कोई भी बच्चा का वही जाता है तो वही से जाता है, मत भी कम कर दीजिए, और कर्मवाद चलते रहेगा, एक इतिहास बन जाएगा।
धन्यवाद सर।